करीमा डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको नॉन टावर के डावल्स या नॉन टावर के बीम के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम उनके डावल्स निकाल सकते हैं। तो एक प्रोसेस है, जैसे कोई भी एक हाई राइज बिल्डिंग है अपनी, तो वो या तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए या फिर 4 फ्लोर या 5 फ्लोर नीचे हो, तो तब उस केसेस में क्या करते हैं, हम अपने नॉन टावर का काम स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या है कि हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, लैंडस्केप एरिया कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमारी टोटली बिल्डिंग कंप्लीट होती है। पर हमारा पर्पज़ है कि देखिए कैसे हम बीम डावल्स निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि भाई मेथड 1 जो कि बीम के फेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने डावल्स को निकाला है, इसमें क्या है कि हमारा जो बीम साइड है वो ख़राब हो जाती है, उसको हम ऊपर वाली स्लैब में यूज़ नहीं कर सकते और इनको हमने बीम के परपेंडिकुलर रखना है। तो ये मेथड हमारा मेथड नंबर 1 है। इससे हम बीम के डावल्स को स्ट्रेट पोजीशन पे रख सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो कि जो बीम साइड हमने बना रखी है, अगर हम उसमें डावल्स निकाल सकते हैं तो वो किसी भी यूज़ में नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम अपनी बीम साइड को नहीं सेव कर सकते, इस मेथड से हमारी बीम साइड ख़राब हो जाती है। देखिए ड्यूरिंग कंक्रीट के टाइम मोस्टली बीम ये फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो भी हम रिब प्रोवाइड करते हैं इनके बीच में वो फेल हो जाते हैं जब कंक्रीट का प्रेशर पड़ता है। डावल्स को अल्टरनेट पोजीशन पे रखना है, जैसे कि 1.5 मीटर और 2 मीटर, ये आपको पता है, और नहीं भी पता तो कि डावल्स की अल्टरनेटिंग पोजीशन होती है, ताकि हमारा 50% लैप एरिया ना बने किसी भी अपना सेक्शन पे जहाँ पे अपना लैपिंग एरिया है, तो उसको अवॉइड करना है, अल्टरनेट पोजीशन पे रखना है। दो बात करते हैं मेथड नंबर 2 की, अगर कहीं भी आपका कोई बीम आता है और नॉन टावर के टावर्स आते हैं, तो वो था मेथड 1 जब हम बीम फेस के परपेंडिकुलर आते हैं, लेकिन ये है मेथड नंबर 2 कि इसमें क्या करते हैं कि बीम फेस के पैरेलल हम वर्टिकल को खड़े करते हैं, जहाँ पे जो भी हमारा कवर होता है 30 mm का, तो उस 30 mm के फेस में हम इनको स्ट्रेट खड़ा कर देते हैं बीम के फेसेस में, ताकि हम इनका बाद में इनको चीप करके निकाल सकें और इनको यूज़ कर सकें। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कुछ डावल्स हमने निकाल के देखे थे कि ताकि हमारा काम जो है वो सही हुआ या नहीं हुआ, तो कुछ जो वर्टिकल्स है हमारे डावल्स है, हमने उनको बीम के फेस में खड़ा किया था, उनको बाद में हमने चिपिंग करके इनको बाहर निकाल लिया, ताकि ये हमारे नॉन टावल्स में हम इनको यूज़ कर सके। इस मेथड से आपकी जो बीम साइड है वो डैमेज नहीं होगी, आप उसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपने सेट बनाया है ऊपर के लिए तो वो सेट यूज़ कर सकते हो। तो और एक और बेनिफिट है कि आप ओपनली जो हमारा स्टील रहता है वो रस्टी डोरे से बच जाएगा। जो भी बीम का चिपिंग एरिया बनेगा उसको माइक्रो कॉन्क्रीट रेडरॉक RG आता है, तो उस मटेरियल से ही आपको रिपेयर करना है, ताकि वो प्रॉपर स्ट्रेंथ ले इसके बॉन्डिंग बना सके अपने चिपिंग बीम के साथ। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।